हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर हम बात करें इस वीडियो की तो देखिए, कल की डेट में काफ़ी सारी कंपनियों के रिजल्ट अनाउंस हुए थे। अगर बात करें आरती ड्रग्स, टेस्टी बाइट एज वेल एज की बात करें क्विक हील, तो काफ़ी सारी कंपनीज़ के यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हुए थे। तो चार पांच कंपनी, आई थिंक पांच कंपनी है जिनके रिजल्ट, या छह कंपनी है जिनके रिजल्ट से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो बिफोर दैट, वीडियो से आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज नीचे आज की डेट में अगर देखें तो एक कंपनी 175 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। ओके, बहुत अच्छी कंपनी नज़र आ रही है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। बाकी पर मल्टीपल कंपनीज के रिजल्ट आए थे परसों के दिन, उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो है। और अगर बात करें रिजल्ट, तो रिजल्ट हम क्यों देखते हैं, रिजल्ट से एक हमें आइडिया लग जाता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। क्या हमारे पास वो, अगर हमारे पास शेयर है तो पता चल जाता है कि हमें उस कंपनी में आगे बढ़ना है। अगर हमारे पास शेयर नहीं है तो हमें इससे पता चल जाता है कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इससे एक आइडिया लग जाता है, इसलिए रिजल्ट देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। और आप लोग भी देखा करें और हर एक कंपनी के देख लिया करें, क्योंकि वो अच्छी चीज़ होती है। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइडेंट। ट्राइडेंट पेनी स्टॉक कहते हैं, बट पेनी स्टॉक है नहीं, बट स्टिल अगर बात करते हैं, इसकी 16 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा है। और अगर हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो इन मिलियंस में ये कंपनी काम करती है, टेक्सटाइल बिजनेस में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। बाद में कुछ न्यूज़ भी आई थी कि FMCG सेक्टर में कंपनी उतर रही है, बट अभी उसका कुछ पता नहीं चल रहा। बट अगर देखते हैं, ये इस बार के रिजल्ट है Q3 के, और ये Q4 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। इन मिलियंस में है, अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम तो 13,526, इससे पहले 12,949, इससे पहले 9,972 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल इनकम होती हुई नज़र आ रही है, जो कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। इवन इफ यहाँ पर बीच में इनके कंपनी में आई थिंक आग वगैरह कुछ लग गई थी, ऐसी भी कुछ न्यूज़ आई थी, तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की, तो 12,258 के अभी एक्सपेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये इन मिलियंस में है। इससे पहले 11,479, इससे पहले 9,546, तो खर्चे भी यहाँ पर बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और सीधे बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, NPAT की, तो यहाँ पर देख लीजिए 756 मिलियन रुपीज़, इससे पहले 1597, इससे पहले 395। तो ईयरली बेसिस पे तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया लगभग दोगुना, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर बात करें तो कंपनी ने आधा भी परफॉर्म यहाँ पर करके नहीं दिखाया। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक एक्सपेंस, और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पर आग वगैरह लगी थी इनकी कंपनी में, तो उस चीज़ का भी इफेक्ट शायद यहाँ पर आता हुआ हमें दिख सकता है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बट स्टिल अगर बात करें कंपनी के इनकम काफ़ी अच्छी है। बाकी यहाँ पर EPS से आपको पता चल जाएगी कि EPS यहाँ पर ईयरली बेसिस तो दुगना हो गया, बट क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर हाफ हो गया है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसी के बेस पे आप आगे का अपनी रणनीति तैयार करें कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर ले लीजिए या खुद की स्टडी करिए। एज वेल एज बात करते हैं टेस्टी बाइट। टेस्टी बाइट ने आई थिंक डिविडेंड दिया है, 2 रुपये का डिविडेंड दिया है, कितने का दिया है, या 4 रुपये का डिविडेंड दिया है, इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, कंपनी की अगर बात करें टेस्टी बाइट, ये भी FMCG से रिलेटेड एक कंपनी है, इससे रिलेटेड कभी वीडियो बनाई नहीं है, बट स्टिल मैं कभी अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इट, या फिर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। क्योंकि 11,000 रुपीज़ पर शेयर चल रहा था तब मेरी इस पर नज़र पड़ी थी, और आज के डेट में 14,000-15,000 का ये स्टॉक है। यहाँ पर अगर बात करें इन मिलियंस में, यहाँ पर ये यहाँ पर आता है ये शेयर। इसके बाद इन रुपीज़ में यहाँ पर रिजल्ट है, अगर बात करें टोटल इनकम की तो यहाँ पर 1270 ओके मिलियन रुपीज़, से पहले 1236, से पहले 1195। तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पे परफॉर्म करके दिखाया, बट क्वार्टरली बेसिस पे फ्लैट कह सकते हो, या थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर जंप देखी जा रही है टोटल इनकम में। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी उसी तरीके से होते हुए नज़र आ रहे हैं, 1085, इससे पहले 1058, इससे पहले 1077। तो कंपनी के एक्सपेंस लगभग मिले जुले से ही नज़र आ रहे हैं, लगभग 19-20 का अंतर है, बाकी फ्लैट ही कह सकते हैं। अगर NPAT की बात करते हैं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 138 का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, इससे पहले 134 मिलियन रुपीज़, से पहले 85 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कंपनी ने ईयरली बेसिस अच्छा खासा परफॉर्म किया है, क्वार्टरली बेसिस कह सकते हैं कि फ्लैट है, या फिर लगभग थोड़ा वो जंप है, बट स्टिल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्लैट यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं EPS की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 54 रुपीज़ का EPS इस बार का, इससे पहले 52 था, इससे पहले बात करें तो 33 रुपीज़ का EPS था। तो EPS यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ईयरली बेसिस पे भी यहाँ पर आपका EPS बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
इसके अलावा हम दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं, इस ये क्यू खेल आपको पता ही है ये एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी है, इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। बाकी फाइनल डिविडेंड कंपनी ने दिया है, 4 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है, तो इस चीज़ को भी देख लीजिए। एज वेल एज इसके रिजल्ट की बात करते हैं तो इन मिलियंस में ही यहाँ पर रिजल्ट आपको मिलेंगे। टोटल इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए 10 मिलियन रुपीज़, से पहले 761, इससे पहले 724 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पर टोटल इनकम होती हुई नज़र आ रही है, जो कि क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा जंप दिखाया है। एक्सपेंस की बात करते हैं तो 565 मिलियन रुपीज़ का एक्सपेंस है, इससे पहले 583 था, इससे पहले 622 मिलियन रुपीज़। तो कंपनी ने देखिए एक्सपेंस पे अपने पे कंट्रोल कर लिया है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे। इस चीज़ का आपको इफेक्ट सीधा आपको टोटल इनकम प्रॉफिट में दिखता हुआ दिखाई देगा, प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम यहाँ देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो आप देखिए 397 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 134, इससे पहले 79। तो देखिए कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म किया है, तो इसे अपने रिडार पे रखिएगा। कल की डेट में ये कंपनी भागती हुई नज़र आ सकती है, तो आप चौंकिएगा मत क्यों नज़र आएगी, क्योंकि इसने अपना अच्छा खासा परफॉर्म किया है। बाकी ये कंपनी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो वैसे वैसे ये कंपनी भी परफॉर्म करती हुई आपको दिखाई देगी, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अलग से एक बार दोबारा इसके बारे में बात करेंगे। बेसिक की ईपीएस की बात करें 6.19 रुपये का, इससे पहले 2 रुपये का था, इससे पहले 1.24। तो कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। एज वेल एज यहाँ जयंता एग्रो ऑर्गेनिक लिमिटेड, अगर बात करें यहाँ पर कृषि से रिलेटेड ये कंपनी नजर आती है, केमिकल से रिलेटेड, तो इन लैक्स में ही यहाँ पर रिजल्ट नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इनकम इस बार 21,474 है, इससे पहले 1782 था, 21 था, इससे पहले 19,000 ओके यहाँ पर मिलियन, यहाँ पर अगर बात करें इन लैक्स में यहाँ पर ये आपको रेवेन्यू नज़र आ रहा है। इससे अलावा हम बात करते हैं एक्सपेंस की, तो मतलब क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे यहाँ पर आपको इनकम में अच्छा खासा जंप नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लगभग 19,000 के लैक्स रुपीज़ के यहाँ पर अभी एक्सपेंस है, इससे पहले 16,778 था, इससे पहले 17,993 लैक्स का यहाँ पर एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस भी क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा एनपीएटी की बात कर लेते हैं तो देखिए 18,016 मतलब 1,816 लैक्स इन रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, इससे पहले 741 था, इससे पहले 278 लैक्स रुपीज़। तो कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है, तो ये कंपनी के बारे में लोग अक्सर बातें नहीं करते, तो इन कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए। जनता एग्रो इस कंपनी का नाम है, देखिए ईपीएस भी लगभग हर 3 गुना होता हुआ हमें नज़र आ रहा है ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए ऐसी कंपनी की तरफ। यही वो कंपनी है जो आपको अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाएगी ओके, और आपको अच्छे खासे रिटर्न भी देती हुई दिखाई देगी। कल की डेट में ये भाग सकता है, तो नज़र में रखिएगा। जियोजीत की बात करें, आपको पता ही है ये भी एक ब्रोकरेज से रिलेटेड कंपनी काम करती है। कुछ पैसों में इन्होंने डिविडेंड दिया, अगर बात करें यहाँ पर 2 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस किया है, तो अच्छी बात है, जो कि फाइनल डिविडेंड है, थोड़ा टाइम लेगा आने में। इसके अलावा इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए ब्रोकरेज की हर एक कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए, तो शायद इसके भी अच्छे आए होंगे, तो एक बार फिर भी देख लेते हैं। इन लैक्स में यहाँ पर इनके रिजल्ट है, तो अगर हम बात करते हैं टोटल यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज रेंटल फीस कमीशन जो भी है, ओवरऑल अगर बात करते हैं टोटल इनकम की तो 12,255 लैक्स रुपीज़ का यहाँ पर इनकम है इस बार, इससे पहले 10,460 था, इससे पहले 8,268। तो अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस पे कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी उसी तरीके से होते हुए नजर आए, 7,482 इससे पहले 6,397 इससे पहले 5,782। तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3,716 लैक्स रुपीज़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 3,149 था, इससे पहले 1970। तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पे तो लगभग दुगना यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया, 2x। अगर बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस, तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। ईपीएस से आपको एक आइडिया लग जाएगा, ईपीएस यहाँ पर देखते हैं तो 1.53 रुपये का ईपीएस है। लास्ट Q4 में अगर बात करें तो 0.79 था, जो कि डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले Q3 की बात करें तो 1.28 से 1.53 का ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आया। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म दिया है, बाकी छोटी कंपनी है, 50-60 रुपये का यहाँ पर शेयर नजर आता है।
जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स देखिए अभी रिजल्ट है, इससे पहले इन्होंने स्प्लिट हुआ था, इससे पहले अगर बात स्प्लिट या बोनस आया था आई थिंक 1:3 का अगर बात करें। इसके अलावा अगर बाईबैक भी कंपनी 1000 रुपीज़ पर लाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 20 तारीख को वो सबको ख़त्म भी हो जाएगा। इसके यहाँ पर रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये भी आपको इन लैक्स में ही दिखाई देंगे। ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है। टोटल अगर हम बात करते हैं इनकम की तो यहाँ पर देखिए 45,293 है, इससे पहले 47,617 था, इससे पहले 40,719। तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्म किया है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर कम जंप नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। अगर बात करें यहाँ एक्सपेंस की तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर 38,969 है, इससे पहले 39 था, इससे पहले 35। तो एक्सपेंस यहाँ पर ईयरली बेसिस पे बढ़े हैं बट क्वार्टरली बेसिस पे घटते हुए नज़र आए हैं। अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर आप देख लीजिए फॉर द ईयर 7 and 9, 8। यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 5024 नज़र आ रहा है, इससे पहले 6,466 था, इससे पहले बात करें 5,656 था। तो कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर कंपनी का परफॉर्मेंस गलत बेकार नज़र आ रहा है, मतलब गिरावट अच्छी खासी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कल की डेट में अगर ये शेयर गिरता है तो आपको बिल्कुल भी घबराइएगा मत, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। यहाँ पर टैक्स वगैरह से रिलेटेड आई थिंक कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आइटम या कुछ ना कुछ ज़्यादा ऐड हुआ होगा, जिसकी वजह से बाकी यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर इनकम भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर इनकम भी गिरती हुई नज़र आ रही है और टैक्स भी यहाँ पर बढ़ता हुआ, एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ईपीएस की बात करते हैं, ईपीएस से आपको आइडिया लग जाएगा। तो 5.39 रुपये का ईपीएस इस बार है, इससे पहले लगभग 7 रुपये का ईपीएस था, इससे पहले 6 रुपये का। तो कंपनी देखिए ईपीएस भी कम हो रहा है, तो आपको सिंपल पता चल रहा है कि कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया। तो कल कंपनी के शेयर शायद गिरते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपनी के रिजल्ट जो हमने आपको बताए हैं, आरती ड्रग्स ओके का रिजल्ट इतने खास नहीं है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा इस बार। और अगर बात करते हैं और भी कुछ कंपनी की तो यहाँ पर जियो जीत के रिजल्ट अच्छे खासे आए हैं, ब्रोकरेज के फॉर्म से रिलेटेड है। इसलिए जयंत एग्रो ऑर्गेनिक लिमिटेड के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर क्यूक हिल के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आए हैं। इसके अलावा टेस्टी बाइट कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आए हैं। और बात करते हैं यहाँ पर पहली हमारी जो कंपनी है, अगर हम बात करते हैं ट्राइडेंट, इसके कंपनी के रिजल्ट भी ठीक ठाक आए हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इन कंपनी की तरफ। बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लीजिए, खुद की स्टडी करिए। ओके, आपको एक आइडिया लग जाएगा। बस ये आइडिया हमारे पास ये शेयर है, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। और दूसरे लोगों को कनेक्ट करना हमारे चैनल के साथ बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।